डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आज 133rd बर्थ एनिवर्सरी है। इसी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे पार्टी वर्कर्स अपने अपने अंदाज में इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। आज गुलबर्गा सिटी के जगत सर्कल पर कई सारे लोगों को 133rd डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए देखा गया, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स शामिल थे, बीजेपी पार्टी के लीडर्स और बीजेपी पार्टी के वर्कर्स शामिल थे, कई सारे सोशल वर्कर, कई सारे पार्टीज के लीडर्स, कई सारे लोग अपने अपने अंदाज में अंबेडकर जी के स्टैचू के पास जाकर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और अंबेडकर जी को याद करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी गुलबर्गा में बड़े ही धूम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। कई सारे लोग अपने अपने एरिया से अपने अपने अलग मॉडल्स को लेकर रैली के शक्ल में जगत सर्कल तक आते हैं। शाम में एक बड़ा प्रोग्राम जगत सर्कल पर होता है, कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स भी इसमें होते हैं और लोग अपने अंदाज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को याद करते हैं। जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने संविधान को लिखा। आइए देखते हैं गुलबर्गा सिटी के शॉर्ट हाइलाइट्स। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कल डॉट फिट एंड बाय बिग न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल। जय भीम। आज हमारे और आपके हरदिल अजीज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। हर साल जिस तरीके से गुलबर्गा शहर में बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग जोरों शोरों से हिस्सा लेकर जन्मदिन मनाते हैं। हमारे भारत देश में जिस तरह से हर कम्युनिटी के लोग अपनी अपनी ईद मनाते हैं, इसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्मदिन में हर कम्युनिटी के लोग मिलकर, सब लोग मिलकर एक ईद के त्यौहार की तरह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाते हैं। और आप सब जानते हैं आज भारत देश में एकता और समानता अगर मिली है तो हर कम्युनिटी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की देन है। जिस तरीके से हम सब मिलकर संविधान का पालन करते हैं, आज हम सबको जिस तरीके से संविधान में सबको एकता का अधिकार दिया गया है, किसी के साथ भी न्याय होता है तो वो लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के बल पर अपने आप को और दूसरों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान देने की वजह से आज हम सब अपने अपने सर उठाकर जी रहे हैं। मैं तमाम लोगों को, हमारे दलित भाइयों को और तमाम कम्युनिटी के लोगों को दिल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरीके से हम सब आने वाले दिनों में भी हम सब मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाएंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कम्युनिटी के लोग मिलकर संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दलित और मुस्लिम की एक यूनिटी है, हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं और हम सब भाई भाई ही हैं। इतना बोलते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। 133ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಂತೆ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವ್ರು ನಡೆದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KVN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Kal.Fit, and by Big Neuropsychiatry Hospital.